तो और मेरे सभी गेमर भाइयों, कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो इसी के साथ आप सभी के लिए फिर से आ चुके एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक जबरदस्त वीडियो लेकर। तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा सेंसिटिविटी को लेकर है। तो आप चाहे आप जायरो प्लेयर हो या फिर नॉन जायरो प्लेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सिर्फ हाथ सेट करना सेंसिटिविटी के ऊपर, मतलब कुल मिलाकर आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेनी है। चाहे आप टीडीएम खेलते हो या फिर आप ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी ट्रेनिंग करके हाथ सेट कर सकते हो। और अगर आप एक एंड्रॉइड प्लेयर हो, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट सेंसिटिविटी आपके लिए होने वाली है। अब अगर आईओएस प्लेयर कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो भाई वो भी परेशान ना हो, आप इस सेंसिटिविटी को अप्लाई करके देख लेना। मुझे नहीं लगता भाई कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है आईओएस प्लेयर को भी। बस अभी तक सुनने में इतना ही अंतर आया कि आईओएस वालों को और एंड्रॉइड वालों को, अगर जायरो प्लेयर होते हैं तो एंड्रॉइड में और आईओएस में बस सिर्फ और सिर्फ जायरो में ही थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इस सेंसिटिविटी को आईओएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब बात आती है एक्सप्लेन करने की। तो भाई मुझे नहीं लगता किसी को भी सेंसिटिविटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत होती है। सब बंदों को लगभग पता चल ही चुका है भाई कौन सी सेंसिटिविटी किस काम आती है। अगर अभी भी किसी को नहीं पता है कौन सी सेंसिटिविटी किस काम आती है, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हो और सेंसिटिविटी के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी सेंसिटिविटी की तरफ। तो गाइज ये रही अपनी सेंसिटिविटी। नॉन जायरो प्लेयर हो, जायरो प्लेयर हो, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी कर लो अभी, क्योंकि जो अपना सेंसिटिविटी कोड होता है वो आपको दे तो मैं दूंगा, लेकिन वो वर्क करे नहीं करे इस बात की कोई गारंटी है नहीं। तो इसलिए भाई आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहो कर लो। अब आपको इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा इस सेंसिटिविटी में, अगर आपकी कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जो आप 200 खेलते थे और मेरी सेंसिटिविटी में आप कॉपी कर रहे हो तो उसमें 400 हो रही है, तो लगभग 200 का अंतर हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो उसको आप एक काम करना, धीरे धीरे बढ़ाना, मतलब 250, फिर 300, 350, फिर जाकर 400 पर ले जाना, ठीक। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेनिंग करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से अब ऐसा कोई भी प्लेयर है जिसने भाई सेंसिटिविटी आज तक सेट नहीं की, या फिर कोई न्यू प्लेयर है, ठीक है, या फिर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सेंसिटिविटी में, इसी पर खेलना है। अगर आप ट्रेनिंग कर लोगे तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता वैसे कोई ऐसा बंदा अगर कोई है जिसने आज तक अपनी सेंसिटिविटी सेट ना करी हो तो वो ट्रेनिंग भी नहीं करेगा। तो उसको कुछ नहीं करना भाई, 15-20 दिन ऐसे ही खेल लो आप किसी भी टीडीएम में या फिर क्लासिक जो भी खेलते हो आप, तो उसी पर आज सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। कुल मिलाकर मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ, आप चाहे जैसे भी प्लेयर हो, मतलब आप कैसे भी प्लेयर हो, जिसे टट्टी कहते हैं ना, ऐसे भी अगर आप प्लेयर हो ना भाई, बुरा मत मानना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिसलाइक मार देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन भाई उससे पहले शर्त है, आपको 15-20 दिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो 5-10 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो 15-20 दिन ट्रेनिंग करना, उसके बाद आप डिसलाइक मार देना वीडियो को आकर, ठीक है। अब अगर इतने विश्वास के साथ मैं कुछ कह ही रहा हूँ तो भाई आपको एक बार ट्राई करके जरूर देखना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैंने बोल दिया है जो आपको करना है कर लेना, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर यही थी आज की हमारी सेंसिटिविटी वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही हो, तो भाई वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है इसी चैनल पर डेली। तो अब कुल मिलाकर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपनी कल आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।